इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहां बात को खत्म करने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आगे आओ और थोड़ा आगे, बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ, और जाओ, बस बस रुक जाओ, थोड़ा आगे, बस अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे, अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपने भड़ास निकाल लो, जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत, हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था, हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए, काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया, कुर्सी भी बच गई बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। जय, I said release him! छोड़ो उसे। दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है, तो जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है, लेकिन इस बार तू गलत जगह भिड़ गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। Hello, Baba. Good night. Good night. कल मिलते हैं और आज को 9 बजे उसी जगह पर। कल मैं नहीं आऊंगा साहब, आप किसी और से सेवा करवा लेना। मत करो। मतलब क्या बोलूं साहब आपको, कल ये रिक्शा मैं बेच रहा हूं,
किसी और रिक्शा वाले से काम चला लेना। क्यों बेच रहे हो अपनी रिक्शा? वो मेरे बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और डोनेशन बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो रिक्शा बेचने के सिवा कोई इलाज भी तो नहीं है। अमीर आदमी तो नहीं। कितने पैसे हैं? छोड़ो सब। नहीं नहीं बोल, कितने पैसे हैं? बहुत ज्यादा, 20,000 है। 20? हाँ। एक मिनट, मेरे को आज बहुत महीनों के बाद में पेंशन लगा है, 60,000 रुपए का। ये ले रख। मैं तुम्हारे पास ये ले रख, और तेरी बेटी को अच्छी कॉलेज में दाखिला कराना, अच्छी अफसर बनाना उसको। ये मेरे पास रहेगा ना तुम्हारा। वैसे भी एक नौजवान लड़के ने मुझे कहा था, किसी की मदद करके देख खुशी मिलेगी। मदद करके देखा, मिलती है खुशी। थैंक यू मत बोल। अब तो ये मौका मिले ना, तो तू 3 लोगों की मदद कर, और उन 3 लोगों को बोल कि और 3 लोगों की मदद करे, दुनिया बदल जाएगी। चलता। इस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते चुनावी रैली की जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए सिंह साहब, और आप ये जिम्मेदारी इस वर्मा को दे रहे हैं। पार्टी में एक कमजोर और हारे हुए सिपाही की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत है सिंह साहब। चुप! अब तू मुझे बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हैं? सच्चाई तो यह है सिंह साहब कि आपका खुद पर से भरोसा उठ गया है। उस जय ने आपको और आपकी सोच को हिला करके रख दिया है। ये कुछ ज्यादा बोल गया है पापा। ज्यादा नहीं बेटे, सच बोल गया है। इससे पहले कि कोई और सर उठाए, जय अपने होते के पूरे खानदान को रौंद डालो, खत्म कर दो उन्हें। माँ जी देख लो, इनकी शादी तो हो गई है पक्की। मैं चाहता हूँ बस जय की शादी हो जाए, मेरी भी सारी फिक्र खत्म हो जाए। मैं भी ये मोह माया छोड़ के ना मैं रिलैक्स होने चला जाऊँ बैंकॉक। बैंकॉक? तमीना बैंकॉक जाएगा? हाँ। हेलो छोटे चूहे, तेरे घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं पिंक पैंथर। अरे बड़ा खुश हो रहा है, किसी की शादी है? शादी नहीं सगाई। माँ ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं कौन है। अंकल की। क्या बोला? सगाई तेरे अंकल की? तुझे कार्ड नहीं मिला? हेलो वेरी बैड। अरे मैं गेम खेल रहा हूँ यार। अरे यहाँ मेरा गेम बच गया है, तू अंकल को फोन दे। झूठ क्यों बोला? मैंने कहा झूठ बोला? मामू और अंकल एक ही तो होता है, और वैसे भी आपकी है, आप झेलो। इट्स ओके अबीर। बदमाश इधर आ। हेलो चीटा फ्रॉड सालो गांडो, शर्म नहीं आती तने? तू उभरे त्याज, मैं अभी आ रही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। आ जाओ। हाँ डांडिया रमन जाए। माँ अरे अरे रिंकी। मैडम छुट्टे रख लो। थैंक यू मैम। थैंक यू की जरूरत नहीं है, 3 लोगों की मदद करना और उनसे कहना आगे दिन की मदद करें। आनी जाते हैं ढोकला मारू, देखती हूँ कैसे होती है सगाई। घूमना फिरना नाचना गाना, तू क्या देख रहे बे? मेरे साथ और सगाई किसी और के साथ? आने जो आखिर दुनिया में हूच मारे ली, लेकिन मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूँ। मजाक छे क्या छोटे चूहे, कया जन्म ना बदलो लेने हो छे। दीदी आपको तो सब पता था, और माँ जी आपने तो मुझे बहू भी बोल दिया था।
सब सबके सब मिली भगत है और तुम गांडो थे क्यों छके? मेरी बेटी को गांडो बोल रही है, गाली दे रही है। नहीं नहीं गांडो जी ए एन डी ओ नहीं 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 गुजराती में गांडो का मतलब पागल। अब फीमेल क्या होता है गांडो का? गांडी 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 थी गई। बिचारी। ए पिंकी टेरिबल। चलो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। पिंक पैंथर। कबीर माँ, कबीर क्या हुआ? कुछ लोग कबीर को उठा के लेके गए। क्या कौन है? जय कहा है, जय कहा है। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, इसी गर्दन तोड़ दूंगा। आगे मत बढ़ना। मिस्टर भाई, मुख्यमंत्री साहब बात करना चाहते हैं। जी। हेलो। यस सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मामला क्या है? सर, जनशक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जय अग्निहोत्री के भांजे को किडनैप करने की कोशिश की सर। सर, उसी हादसे में आपकी पार्टी के कई लोग घायल हुए हैं सर। ठीक है, तो इस घटना में जो भी जिम्मेदार हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सर, कार्रवाई तो कर सकते हैं लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ाने से आप ही की पार्टी को दिक्कत होगी सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग दाखिल हैं इन सब के अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस तो दर्ज है सर। और सर, जय जय अग्निहोत्री इज अ हाईली डेकोरेटेड एक्स आर्मी ऑफिसर सर। और सर, एक बुरी खबर भी है सर। क्या? सर, होम मिनिस्टर साहब के दामाद की भी मौत हो गई है सर।
मिस्टर अबे, आप एक काम कीजिए, आप मेरी बात जल्द से जल्द जैक न्यूट्री से करवा दीजिए। जी सर। और इस केस से जुड़ी जो भी रिपोर्ट हो आप पहले मुझे दिखाइए, तब तक मैं होम मिनिस्टर साहब से बात कर लेता। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। जो कुछ हुआ सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जी प्रधान जी। सिंह साहब, मैं समझता हूं कि आपको जय से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सिंह साहब, अगर जांच कमेटी बैठेगी तो जय अग्निहोत्री से ज्यादा पार्टी को और सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। इसलिए मेरी राय है कि आप जय से मिलकर सुलह कर लीजिए। मैं कोशिश करके जय को आपके पास आज ही ले आता हूं। जी, जैसा आप चाहें। मिश्रा जी। जी। जय अग्निहोत्री से कांटेक्ट कीजिए। जी सर। Now I request the Honorable Chief Minister to come and address the children. Sir, thank you. Thank you, Principal sir. बच्चों, मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बड़ी ही मजेदार कहानी है और उसमें एक सीख भी है। एक आदमी ने 5 बच्चों को बुलाकर हर एक बच्चे के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और कहा, बच्चों अपने हाथ में जो लकड़ी है उसे तोड़ दो। बड़ी आसानी से बच्चों ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो तोड़ दी। अब उस आदमी ने 5 लकड़ियों को एक साथ जोड़कर एक बच्चे के हाथ में रखा और कहा, बेटा अब इसे तोड़ने की कोशिश करो। बहुत कोशिश की उस बच्चे ने, लेकिन उन 5 लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। तो यह है ताकत एकता और जुड़ने की, और इस ताकत से बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को दूर। क्या हुआ सर? आर यू ओके सर? माइक से शॉक। बच्चे को देखो, ठीक तो? बेटी आप ठीक हो ना? जी। बेटा तुम ठीक तो? यस सर। शॉक तो नहीं लगा? मुझे शॉक नहीं लग सकता, मेरा हाथ तो लकड़ी का है। थैंक यू मत कहिए सर। थैंक यू के बदले जब भी मौका मिले किसी 3 लोगों की मदद करिए, और उन 3 से कहिए कि वो आगे 3 की मदद करें। इतनी अच्छी बात आपको किसने सिखाई? कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अच्छी आंटी आई थी चिल्ड्रन से फंक्शन के दिन। थैंक यू। बेटा थैंक यू मत कहना, लेकिन जब भी मौका मिले तो 3 लोगों की मदद जरूर करना। ओके जी। और उन लोगों को कहना कि आगे 3 और लोगों की मदद करें। जी अंकल। बेटा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो और 3 लोगों की मदद करें। प्रॉमिस। मिश्रा जी, जिस चेन का जिक्र किया था उस बच्ची ने, पता लगाइए उस चेन की शुरुआत किसने की। मैं ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहता हूं। जी सर। सर जय अग्निहोत्री का नंबर मिल गया है। फोन लगाओ। जी। हेलो, क्या मैं जय अग्निहोत्री से बात कर रहा हूं? जी। मुख्यमंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सर। जय प्रधान। जी सर। देखो जय, सिंह साहब के दामाद और तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ सब जानता हूं मैं। किसकी क्या गलती थी पूरी जानकारी है मेरे पास। जय, मैं चाहता हूं यह सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने सिंह साहब से भी बात कर ली। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलकर सिंह साहब से एक बार मिल लो। नहीं सर, एक बार कोशिश कर चुका हूं। जय, अकेले क्या कर लोगे, कुछ साबित नहीं कर पाओगे। इस राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? सर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूं। बस, और ये बताना चाहता हूं कि वन मैन
can make a difference, sir. Jay. Jay, mil lete hain. Aaj shaam ko. Ji, sir.